वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अपने एक दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंचे थे। यहां उन्होंने सबसे पहले बीजेपी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद बस्तर संभाग के पत्रकारों से नक्सलियों से शांति वार्ता को लेकर और पुनर्वास नीति में सुझाव को लेकर चर्चा की। विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार बस्तर में नक्सलियों से शांति वार्ता कर इस समस्या का हल तलाशना चाह रही है, जिसके लिए देश का चौथा स्तंभ इसकी मुख्य कड़ी है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सली ही बताए कि पुनर्वास नीति में क्या बदलाव चाहते हैं, हम काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि बस्तर से नक्सलवाद को खत्म किया जाए। साथ ही किर्गिस्तान में फंसे बच्चों को लेकर विजय शर्मा ने कहा कि किर्गिस्तान के छात्रों से बातचीत हुई है, अलग से नंबर भी जारी किया गया है, लगातार उनसे हम संपर्क में है। हेल्पलाइन नंबर स्पेसिफिकली नहीं दिया, परंतु छत्तीसगढ़ रायपुर के रहने वाले, अंबिकापुर के रहने वाले, हमारे कवर्धा के रहने वाले, ऐसे सारे छात्रों से मेरी व्यक्तिगत बात हुई है। सबके पास मेरा और हमारे लोगों का नंबर है, वो सुरक्षित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे उनकी चिंता की, उनका ही मार्गदर्शन सब कुछ है, जिसके आधार पर सबसे बात की गई है। अलग से नंबर जारी नहीं किया, लेकिन 10 नंबर उनको देकर रखे कि भैया कोई बात हो तो उसमें फोन करें। तो वही चुनाव आयोग ने बुधवार यानी 22 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्षों और स्टार प्रचारकों से अपने भाषण को सही करने, सावधानी बरतने और मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा है। बता दें, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता अपने भाषणों में संविधान बचाने और अग्निवीर स्कीम का बार बार जिक्र कर रहे हैं। वही भाजपा के नेता अपनी स्पीच में मुसलमान और धर्म पर जोर दे रहे हैं। आयोग ने दोनों पार्टियां के स्टार प्रचारकों को धार्मिक और सांप्रदायिक बयानबाजी ना करने के निर्देश दिए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से शो कॉज नोटिस भेजे जाने के बाद नड्डा और खड़गे ने अपनी अपनी पार्टी के कैंपेन के तरीके को सही ठहराया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने अपने स्टार कैंपेनर्स के बयान का भी बचाव किया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जहां झारखंड की हजारीबाग से भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने पार्टी की तरफ से भेजे गए नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी और प्रत्याशी की तरफ से प्रचार के लिए नहीं पूछा गया, लिहाजा चुनाव प्रचार से दूर रहा, मतदान के देश विदेश में था, इसलिए पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाला। बता दें, झारखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री और आदित्य साहू ने चुनाव प्रचार से दूरी और वोट नहीं देने को लेकर नोटिस जारी करके 2 दिन में जवाब मांगा था। जयंत सिन्हा ने अपने जवाब में यह भी लिखा है कि उन्हें मीडिया के जरिए इस नोटिस की जानकारी मिली। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर भी सवाल उठाए। वही वैशाख माह की बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गुरुवार को हजारों श्रद्धालु नर्मदा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। नर्मदा तटों पर सुबह 5 बजे से ही भक्त पहुंचना शुरू हो रहे हैं। सुबह से ही स्नान, पूजन पाठ और धार्मिक अनुष्ठान का सिलसिला जारी है। बता दें, सेठानी घाट सहित सभी तटों पर सुबह से भीड़ रही, पावन स्नान करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आए। शाम को नर्मदा के सेठानी घाट पर महाआरती और दीपदान होगा। मान्यता है कि जो लोग वैशाख माह के दान में धर्म नहीं कर पाए हैं, वे इस दिन दान धर्म कर स्नान परंपरा के माध्यम से पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि गुरुवार को नर्मदा सहित पवित्र नदियों में स्नान कर श्रद्धालु देव दर्शन का लाभ ले रहे हैं।